व्हाट्स ओपिनियन ऑन अरेस्ट ऑफ पारस ऑफिशियल? ये क्या है अरेस्ट ऑफ पारस? ये कौन पारस ऑफिशियल? मैं मेरे को नहीं पता गाइस, पारस ऑफिशियल कौन है? कौन है? सिंगर, एक्टर? भाई नो स्क्रीम लाउड है भाई, काम भी रहता ना अपना कुछ और जिंदगी में, गेम में थोड़ी है, बाकी सब काम भी करेगा नहीं इंसान, गेम तो आ जाने दो। अब तो गेम आ जाए, मेरे को डर, मेरे को इसके लिए भी डर लगने लग गया। अब क्या ही चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी ऐसा कुछ, भाई मैं वापस वैसे नॉर्मल रहने वाला हूँ, मैं ऐसा हाइप नहीं कर रहा अपने आप को भाई, मैं चुपचाप चल जो चल रहा चलने दो भाई। लुकिंग यंग ब्रो, थैंक्स लॉट मैन। लॉन्च करने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बोल के, तो इसके खिलाफ मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था चिट्ठी। वो इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें जो क्राफ्टन है ये कोरियन कंपनी है, ठीक है, और जो टेंसेंट जो है ये इट वाज चाइनीज कंपनी, और ये चाइनीज कंपनी जो है ये पहले भी पबजी को इसको चलाया था। ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ खासतौर अरुणाचल प्रदेश में और जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो बच्चे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, वो बहुत ही नादान हैं, तो उनका इसका क्या इफ़ेक्ट होता उनको पता नहीं है। जैसे पहले ब्लू व्हेल को बैन किया गया था, वैसे जितने भी 69 ऐप्स जो मैंने पहले भी प्रधानमंत्री को लिखा था, तो इसमें यही बात थी कि मैं इसको एक रिक्वेस्ट है, गुंजाइश है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के बच्चों को जो पबजी का जो ये गेम है ये उन लोगों को डाइवर्ट कर दे। राइट है ना, वहाँ के लोगों पे कमेंट किया है। सो देखो यार, रेसिज्म एक ऐसी चीज़ है कि तुम भाई इसको मतलब नहीं करनी चाहिए बस ये सब चीज़ें यार, ये अच्छी नहीं होती है। और ऊपर से आप एक ही कंट्री में रहते हो और एक ही कंट्री के लोगों को आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, तो जाहिर सी बात है पब्लिक तो थोड़ा सा गुस्सा होगी, थोड़ा नहीं मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गई उस पर तो। एंड अगर उसे अपने गलती पे वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप है, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई फिर तो क्या बोल सकते हैं।